तामिया जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाला गांव कुर्सीढाना बेलखेड़ी से लुक्काढाना तक सड़क नहीं होने के चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं गांव वालों ने बताया कि बरसात के समय अगर कोई बीमार पड़ जाए या गर्भवती महिला को हॉस्पिटल तक ले जाना चाहे तो एम्बुलेंस भी इस गांव तक नहीं पहुंचती। वहीं गांव वालों ने बताया कि इलाज नहीं होने के चलते 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन गांव के सरपंच और सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। गांव वालों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द से जल्द सड़क नहीं बनी तो आंदोलन करेंगे। सिटी इन भारत से शेख फरीद की रिपोर्ट, परासिया। मैं सरोज कौरे की, मैं प्राथमिक शाला लुक्कड़ाना पे हूँ। जब यहाँ पे पानी आता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो स्कूल बंद हो जाता है हमारा, क्योंकि बच्चे भी नहीं आ पाते, इतना नाला जाता है। पालक लोग भी संपर्क नहीं पाते, कभी कोई डूब जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या करें। और रोड नहीं है, कई बार तो हमारा स्कूल बंद हो जाता है, या फिर हम स्कूल पे हैं और बीच में पानी आ गया 1-2 बजे चाहे कुछ, तो हम तो वहीं पर रह जाते हैं। जब गांव वाले आते तब हम बच्चों को लेके इधर। ये नाला आ जाता तो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते। भाई चारू लावे के दान भी एम्बुलेंस बुलवाते हैं तो कहते का जाओ है ना बीरखेरी, तो बीरखेरी रूट रहे तो हम बीरखेरी आ जाए तो गाड़ी इधर आती नहीं, बस नहीं से बीरखेरी से चले जाते हैं वापिस। कब से नहीं बनी ये रोड? ये तो बहुत साल से नहीं बनी जी। इसकी शिकायत कहाँ करे आपने? शिकायत करे जी सरपंच साहब, सचिव साहब कहते तो नहीं, वो प्रधानमंत्री योजना में डाल दी हमने तो बन जाएगी आपकी रोड, तो हर ग्राम सभा में कहे हमने और पंचायत में भी जाके बोले मैं नहीं बना पा रहा जी। हम लोगों ने इस रोड के विषय में एक आवेदन बना लिए हैं कलेक्टर महोदय जी के नाम। हम लोग इस आवेदन को लेकर के कलेक्टर महोदय जी के पास मंगलवार को जा रहे हैं। रोड की समस्या को लेके, मतलब रोड जैसे बरसात के समय में ज़्यादा अक्सर कर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों के बीच, कई गंभीर बीमारी के लेकर, और जैसे गर्भवती महिलाओं जैसे डिलीवरी के टाइम पे अगर एम्बुलेंस अगर बुलाते हैं तो वो बेलखेड़ी से लुक्कड़ाना नहीं जा पाती,